नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गौतम लाइव ज्ञान में। YouTube का नंबर वन चैनल फॉर सिक्योरिटी नॉलेज, सिक्योरिटी ज्ञान चाहिए अभी के अभी गौतम लाइव ज्ञान कहिए। तो फ्रेंड्स, हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे सवाल करके पूछा है कि सर जी, स्कॉटिंग के दौरान कोई इंसिडेंट एक्सीडेंट हो जाए तो मैं ऐसे में क्या करूं, मुझको क्या करना चाहिए? अभी मुझको का मतलब है सिक्योरिटी गार्ड को क्या करना चाहिए। क्वेश्चन क्या हो गया, स्कॉटिंग के दौरान अगर कोई घटना या दुर्घटना हो जाती है तो ऐसे में एक सिक्योरिटी गार्ड को क्या करना चाहिए? तो सिंपल सा जवाब है भैया, रिपोर्ट करना चाहिए, इन्फॉर्म करना चाहिए। किसको रिपोर्ट, किसको इन्फॉर्म? तो सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करो या फिर कंट्रोल रूम में इन्फॉर्म करो, जो भी आपका एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन है, जो भी रिस्पेक्टिव पर्सन है, उसको आपको करना है इन्फॉर्म करना है। लेकिन आपको ध्यान दीजिए, ये जो घटना हुई है, दुर्घटना हुई, उसमें आपकी स्थिति डिपेंड करता है कि आप रिपोर्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आप ही भगवान के घर पधार गए तो घंटा रिपोर्ट करोगे? तो मान लेते हैं ऐसा कोई घटना हुई है जिसमें आप जिंदा बच गए हैं और आपको रिपोर्ट करना है, ठीक है। अब रिपोर्ट करने के लिए कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेगी, जैसे कि इंसिडेंट क्या होता है, एक्सीडेंट क्या होता है, ठीक है। ये शब्द की हेर फेर से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। आपने अगर वहां रिपोर्ट कर दिया, हुआ इंसिडेंट और हुआ, आपने कर दिया एक्सीडेंट रिपोर्ट कर दिया, तो क्या होगा, वहां अफरा तफरी मच जाएगी, क्योंकि उनके लिए एक्सीडेंट के मायने कुछ और है जो कि आपके लिए नहीं है। तो इसमें पहले समझ लीजिए इंसिडेंट क्या होता है, एक्सीडेंट क्या होता है। तो हमारी एक कार है कार वन और दूसरी कार है कार टू। ये जो कार है ये है हमारे बंकू भैया की। बंकू भैया अपनी फैमिली के साथ, बीवी बच्चों के साथ में जा रहे हैं झुमरी तलैया वेकेशन मनाने। गर्मियों की छुट्टी आ गई है ना, तो जा रहे हैं छुट्टी मनाने। अब क्या हुआ, गाना गा रहे हैं ये, जिंदगी मिलके बिताएंगे, हाले दिल गा के सुनाएंगे। और क्या हो गया, इनकी कार क्रैश हो गई, बहुत बुरी तरह से क्रैश हो गई। लेकिन वो कहावत है ना भैया, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, एक खरोच तक नहीं आई इनकी और इनकी फैमिली को। कार बुरी तरह से क्रैश हो गई। तब इस घटना को आप क्या कहोगे, क्या कहोगे? इस घटना को आप कहोगे ये इंसिडेंट है। क्यों? क्योंकि यहां पर किसी को चोट नहीं लगी है, किसी को सीरियस इंजरी नहीं हुई है, किसी की डेथ नहीं हुई है। तो ऐसी घटना जिसमें किसी को कोई खरोच भी नहीं आए, ठीक है, कोई सीरियस इंजरी नहीं हो, कोई चोट नहीं लगे, कोई डेथ रिपोर्ट नहीं हो, तो ऐसी घटना को हम लोग बोलेंगे वो इंसिडेंट है। कार नंबर टू ये है हमारे भूतनाथ जी की। भूतनाथ भी अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं और गाना गा रहे हैं, सोचना क्या जो भी होगा देखा जाएगा, और देखने के लिए कोई बचा ही नहीं। कार बहुत बुरी तरह से क्रैश हो गई, साथ ही साथ भूतनाथ जी भी और उनकी फैमिली के साथ वो परलोक पधार गए। अब देखिए क्या हुआ है, कार तो बुरी तरह से डैमेज हो गई, क्रैश हुई, खत्म हो गई, साथ में इसमें बैठे लोग भी खत्म हो गए। सीरियस इंजरी छोड़िए, सीधा डेथ हो गया। तो ऐसे केस को बोलते हैं एक्सीडेंट। क्या बोलेंगे, एक्सीडेंट। तो जहां प्रॉपर्टी लॉस है, लाइफ लॉस नहीं है, उसको बोलेंगे इंसिडेंट। जहां पे लाइफ लॉस है, प्रॉपर्टी लॉस हो या ना, उसे फर्क नहीं पड़ता, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सीडेंट। कार क्रैश होने का मतलब है एक्सीडेंट नहीं होता है फ्रेंड्स। अगर उसमें बैठा ड्राइवर सुरक्षित है तो क्या है, इंसिडेंट है। तो आप जब रिपोर्ट करोगे तो आप देख लेना कौन सा केस है, किसी को सीरियस इंजरी हुई है, किसी को इंजरी हुई है, किसी की डेथ हुई है, अगर यस तो एक्सीडेंट। किसी की इंजरी हुई है, किसी को सीरियस इंजरी हुई है, किसी की डेथ हुई है, नो तो वो इंसिडेंट। अब रिपोर्ट कैसे करना है, तो ये सारा टैगलाइन आप एज इट इज कॉपी कर लीजिए। क्या है, सबसे पहला आपका नाम बताइए, आपका रैंक मतलब डेजिग्नेशन बताइए, आपका कैब नंबर बताइए, वेंडर का नाम बताइए। वेंडर का नाम क्यों, तो कई बार क्या होता है, कंपनियां एक से अधिक वेंडर हायर करती हैं, जैसे श्रीराम चिंतामणि दो वेंडर हायर किए हैं, तो किस वेंडर की गाड़ी है, ताकि उस व्यक्ति से और डिटेल जानकारी ले सके हम लोग। इंप्लॉय डिटेल में क्या, तो इंप्लॉय का नाम,
ठीक है, और उसका आईडी नंबर आप बताइए, ठीक है ना। लोकेशन आप पिन पॉइंट लोकेशन बता देना, ठीक है ना, आपका जो पिन पॉइंट लोकेशन है वो आप लिखिए यहां पर। करंट स्टेटस क्या है, अभी लोगों की स्थिति क्या है, गाड़ी की स्थिति क्या है ये, और उसके बाद टाइम ऑफ इंसिडेंट या फिर एक्सीडेंट, जो भी हुआ है आपके साथ दुर्घटना या फिर घटना उसका एग्जैक्ट टाइम, ये सारी चीजें एज इट इज को रिपोर्ट में बनाकर दे दीजिए, और इस तरह से आपका एक परफेक्ट रिपोर्ट सेंड कर देना है आपको। लेकिन ये कौन सी कंडीशन में, जब आप बच्चे हो, आप इन्फॉर्म करने की कंडीशन में हो। अगर आप खुद ही टिल हो गए हो, आप खुद ही चल बसे हो, तो फिर ये सारा काम पुलिस वाले करेंगे, ट्रैफिक पुलिस करेगी, या फिर जो स्थानीय पुलिस है वो लोग करेंगे, अगल बगल के लोग करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो मजेदार लगा होगा, आपको ये जो मैं समझाना चाहता था समझा पाया हूं, आपको आपके प्रश्न का उत्तर भी मिल गया होगा। भैया इतनी मेहनत कर रहे हैं, पसीना आ गया, थोड़ा एक लाइक तो जरूर कर देना, और हाँ अपनी सिक्योरिटी फैमिली में सभी को ये वीडियो जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।